व्यापार बंधु की बैठक एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। एडीएम प्रशासन ने नगर निगम के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नालों सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही गंदगी न हो, इसके लिए कूड़ा हेतु डस्टबिन लगाई जाए। उन्होंने नगर निगम को ये भी निर्देश दिए कि नाले नालियों की सफाई की जाए। उन्होंने विविध विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जर्जर पुलों को तत्काल बदला जाए और अनुपयोगी पुलों को हटवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मैरिज हॉलों, कॉम्प्लेक्स आदि में पॉलीथीन थर्माकोल के प्रयोग न हो। बैठक में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, लीड बैंक के प्रबंधक महेश गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा व्यापारी संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, नर्मदा श्रीवास्तव व अन्य व्यापारी बंधु मौजूद रहे। अभी पेपर में नहीं आया, अभी मेन चक्कर क्या है कि जिस फ्लोर पे, जिस टेबल पे मैंने समस्या को रखा, उस टेबल पे ही ये समस्या आज तक है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, केवल आवेदन से नहीं है जी। जो उपभोक्ता को, व्यापारी को लाइसेंस मिली हुई है, उसकी मूल प्रति लाइसेंस की जो है वहाँ पर दाखिल करना पड़ेगा, उस जो पासबुक है वो वापस होगा। तो हमारे समझ में तो नहीं आता, मैं तो अपने साथ किया हूँ, तो जो प्रक्रिया विभाग की थी उस हिसाब से मैंने किया। सामान्य रूप से वो पैसा वापस लेना, आपका पैसा मिलेगा, लेकिन वो प्रक्रिया में अगर मान लीजिए अगर आपको लाइसेंस मिली हुई है तो लाइसेंस के मूल प्रति आपको देने पड़ेंगे। अभी तक इन्होंने कराया क्यों नहीं? निर्देश मिलने के बाद साफ कहा कुछ नहीं हुआ अभी तक। 92 में लाइसेंस करा लिया हुआ, 6 साल हुआ, 18 साल, 25 साल हो गया, 5 साल की एसी से बात नहीं है। और ये पैसा सब ये रखा हुआ है किस अधिकारी के द्वारा? डिस्ट्रिक्ट सर, ये कम से कम क्लियर हो, सब पेपर में सब डिटेल देंगे, वो निर्देश नहीं आ रहे, नहीं होंगे, कम में होंगे। कितनी संख्या नहीं है, कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी करेगा, कौन अधिकारी करेगा, सब उसका देखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट डील कौन कर रहा है, अधिकारी कौन है, इसका एकदम अखबारों में आ जाए। क्या चार मिनट तो बोल डायरेक्ट अपना पहले जब जारी करते थे तो काम नहीं हो, कार्यक्रम जो पीएम साहब में डेट पड़ जाता है, फाइल अनुमोदित हो जाए, पीएम साहब जो डेट दे देते हैं 27 को मैं बैठक करूंगा, तब तब भी जानकारी ली करने जा रहे हैं ना, क्या हुआ क्या नहीं। हुआ क्या लोगों का लंबित है, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनकी कौन अधिकारी का डील करेगा? हाँ।